दोस्तों गुड मॉर्निंग आप लोगों को। देखो बाहर मस्त हो रहा है, ये रेस मस्त आ रही है सूरज की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त गौरव और आशा करता हूँ आप लोग मस्त होएंगे और स्वस्थ होएंगे भाई। और मस्त वाला मौसम हो रहा है आजकल, जल्दी उठना चालू कर दिया है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 बजे, मैं उठ गया हूँ और वेदर काफ़ी बढ़िया है, चिड़ियाँ बढ़िया आ चुकी है और इसका एकदम क्लियर स्काई हो रहा है और मस्त वाला सन निकला हुआ है बिल्कुल। जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में। और आप सीधा नेचुरल नेचर की सुनो आप, बस देखो चिड़ियों की आवाज़ें, नेचर की आवाज़ें मिलेगी आपको, कोई ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं मिलेगा, ना कोई ट्रैफिक की आपको आवाज़ आने वाली है। देखो बिल्कुल नेचुरल आवाज़ आएगी सब चीज़ों की, थोड़ी ज़रा फील करो, उसके बाद मैं नहा धोते रेडी होता हूँ। पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो तेज़ की रेंज दे रहा हूँ और अब मुझे पेट्रोल भरवाना है, तो मैं फिर जाऊँगा। तो भाई बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म था गाड़ी में और मैंने चला भी दिया अच्छी खासी, पर ये कि रेंज शो कर देता है, ये तेज बची हुई है, पेट्रोल फुल करवाते हैं। और भाई सब करूँगा भाई मैं दोपहर या मतलब ब्रंच करेंगे, तो ब्रंच में भाई खिचड़ी मेथी खाएंगे और गोभी आलू की सब्जी और रोटी, ये दिखाता हूँ आपको भी खाएंगे। तो गाइस लंच आ चुका है, ब्रंच आ चुका है सॉरी, वो भी आलू की सब्जी है, रोटी है और मेथी खिचड़ी है और चाय पियेंगे और ये पीते हैं और इसके बाद मुझे सारा काम ख़त्म करना है वो करेंगे। तो गाइस मस्त लंच आ चुका है, लंच के अंदर है भाई जो मैंने ब्रंच में खाया था ना भाई, खिचड़ी मेथी की और मूंग की मसूर की दाल है, नहीं मसूर की दाल है खाली, और मैंने दही के अंदर डाल दिया चीनी, चावल और रोटी। मस्त लंच करेंगे और सोएंगे 2-3 घंटे आराम से भाई, यही फ़ायदा होता है भाई, पूरे दिन थको सो दोपहर में मेरे को आधा घंटा 1 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं सोता ना पूरा दिमाग घूमता रहता है, मतलब दर्द नहीं होता सर दर्द, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एनर्जी सी नहीं आती, मैं लगता सोना चाहिए। कॉल कर दो ओटीपी भाई, मैंने मंगाया कोरियर और कोरियर में दिक्कत बहुत दिनों चल रही है मेरे को। एक्चुअली पता क्या दिक्कत हो रही है भाई, मैं अपना उसमें एड्रेस अपडेट करता हूँ ना, तो एड्रेस आता मेरा नेम नहीं आता, तो वही दिक्कत है भाई। कर रहे हो पेमेंट? कर रहे हो? हाँ पेमेंट कर रहा हूँ मैं, दो जल्दी करो। तो गाइस मैं गुलमोहर ग्रीन्स में आ चुका हूँ कपड़े लेने के बाद भाई, अपना कपड़ों को डिलीवर करने, तो भाई कपड़े ये रखे, अब मैं इसको डिलीवर करने जाऊँगा, ब्लॉग में भाई बने रहो। ये अभी से अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाऊंगा मैंने मंगाया क्या है, आपको दिखने में लग रहा होगा है क्या, और दिखाऊंगा आपको अनबॉक्सिंग करके। तो फाइनली गाइस भाई मैं मंदिर में आ चुका हूँ, आज है मंगलवार, तो मैंने मंदिर में पूजा कर चुका हूँ मैं और अब इनसे टीका लगवा लेते हैं। लगा दो भाई टीका यार। जय श्री राम। तो भाई टीका लगवा लिया मैंने और मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ, मैं जाऊँगा जिम कर दूँ। खा लेगा? हाँ खा लेगा। भाई देखो अब देते चने इसे, शुरू हो गया है। फाइनली गाइस भाई मंडी में आ चुका हूँ और मुझे कुछ सामान लेने की ज़रूरत है, कुछ सलाद का सामान मुझे लेना है, तो मैं लूँगा खीरे, खीरे मुझे मिल गए हैं। भैया खीरे कैसे दिए? 30 रुपये 30। वो देना भैया टोकरी दे दो। आलू कैसे दिए? आलू 50 का 2.5 किलो। और ये वाला? ये 50 का 2 किलो, बहुत बढ़िया आलू है। 50 का 2 किलो। भाई 2 किलो कर देना, ये 2 किलो कर दो भाई, ये 2 किलो ये देना। सही है, बढ़िया काट के दिए। मुझे एक पीस है,
भाई जी सब सब्जियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे, अभी तो मैंने फिलहाल दो ही सब्जियाँ ली है। हाँ 30 का आधा किलो, 30 का 15 पाव 30 का आधा किलो, बड़ा महंगा है। 20 रुपए पाव वाली 30 का आधा किलो दे दिया आपको, महंगा दे रहे हो भैया। चलो कोई बात नहीं, अब दे रहे हो तो खाना तो पड़ेगा ही, ऐसी बात नहीं है, महंगा नहीं है, नहीं ऐसी ही बात है, इसलिए तो महंगा दे रहे हो आप। कसम भगवान को, ना भगवान ही कसम मत खाओ। बैगन बैगन 15 पाव और किलो लेंगे तो किलो 50 ले लो, उसमें तो 50 से और कुछ नहीं है, कुछ 50 से के खरीदना है, क्या करें। तो बारिश भी नहीं, सब्जी इतनी महंगी क्यों हो रही है? महंगी फसल के ऊपर होता है बाबू, बारिश से कोई फायदा नहीं होता। किलो आधा किलो कर दो अंकल जी, आधा किलो आधा किलो। भाई मैंने अभी 3 सब्जी ले ली है और अब मेरे को और भी सामान लेना पड़ेगा, मैं देखता हूँ मुझे और क्या लेना बाकी है। एक आध सब्जी और देखता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट होगी लेने की तो देखता हूँ भाई क्या चाहिए। और भीड़ तो अच्छी खासी हो गई भाई, पूरी मंडी आप लोग देख सकते हो, खतरनाक वाली भीड़ है। यार स्प्राउट्स ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ भाई, सारा सामान है इन पे तो, स्प्राउट्स और कैप्सिकम सारे हैं, देखो लाइन से सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें भाई। ये भैया ऐसे लगा के ऐसे लगाइए कि आज मेरा दिमाग घूम गया। और भाई 100 ग्राम दो सैलेड बनाएंगे भाई, कल सैलेड बनाएंगे, सारा सामान ले लेता हूँ, तगड़ा ही बनेगा, देखता हूँ क्या बनेगा, मुझे खुद नहीं पता। ब्रोकली कैसे थी? ये हो गया। और नींबू मुझे चाहिए नहीं। मशरूम कैसे थी? 40 का पैकेट है ये, और ये वाला ये दे दो भाई, एक मैंने मशरूम का पैकेट ये और ले लिया। ये 3 आइटम है मेरे, टोटल कितने पैसे हो गए? 90। चलो ठीक है भाई, अभी घर में से फरमाइश आई है कि हरे वाले छोले और लेने, तो मैं वो और ले लेता हूँ। भैया हरे वाले छोले कैसे दिए? 50 का पाव दिए। 50 का? इतना महंगा क्यों हो रहा है ये भी? छोलिया तो महंगा रहना, बस 10 दिन का और मेहमान है, होली होली तक का, होली के बाद खत्म है छोली, ताजा होगा छोली, बेफिक्र हो। करेले भी नहीं है यहाँ पे? करेले मेरे पास। कहाँ मिलेगा बताओ? करेले इस लाइन में पता कर लो आगे। हाँ पीछे तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, बोल दो ना, क्या तुम बोली तो रहे हो, मैं तो वही बोलूँ। नहीं नहीं एक पाओ भैया, बताओ ना कितने की दोगे एक पाव? 50। यार भाई 50 रुपए के हरे छोले दे रहे हैं यार, होली पे तो 60 रुपए पाव, 70 रुपए पाव लोगे यही? हाँ ये भाई 50 रुपए पाव दे रहे, कमेंट करके बताना गलत रेट तो नहीं दिया। भाई मैं आया हूँ चॉकलेट लेने यहाँ पे जिम से पहले, सबसे बढ़िया आज चॉकलेट खाएंगे, बढ़िया वाली, तो बढ़िया नहीं चॉकलेट निकलवा लेते। भैया ने अपनी शॉप में ना बड़ी कर दी है पहले से, यहाँ से तोड़ के उन्होंने जुगाड़ करके बड़ी कर दी है शॉप, तो भाई इसमें से लेते हैं मस्त वाली चॉकलेट एक। भाई ये चॉकलेट लूँगा जो ज़्यादा महंगी, तो भाई ये चॉकलेट है 20 रुपये की। और कुछ देख लेता हूँ, मेरे मतलब की चीज़ है हो तो यहाँ पे। भैया ये लिए और कुछ है हमारे लाइक खाने के लिए ढंग की? बादाम खाओ, काजू खाओ, पड़े हैं तो घर पे फिलहाल ये लिया। हाँ तो गाइस आज का मैंने सारा वर्कआउट भाई ख़त्म कर लिया है, और
बिगर वेट करके भाई एक्सरसाइज मारी है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी खासी बम्प हो रखी है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, अगर आपको लगता है कि वेट ज़्यादा मारने से कोई दिक्कत हो रही है तो भाई आप अपनी बॉडी से कुछ मत दिक्कत करो, आप बिगर वेट एक्सरसाइज करो और अब मैं जाऊँ घर पर लूँगा प्रोटीन। तो भाई मैं कल सुबह लड्डू लेने आया हूँ, लड्डू इन पर है नहीं, भूल गए, खत्म हो गए, तो नारियल के लड्डू ले जा रहा हूँ और ये भी टेस्ट करके देखें कैसा लड्डू है। नारियल का मैंने कभी खाया भी नहीं है, नारियल की बर्फी तो मैंने बहुत खाई है, लड्डू नहीं खाया। डिफरेंस तो होता होगा कुछ भैया इसमें, डिफरेंस तो होता होगा कुछ, बर्फी और इसमें सेम है। कितने पैसे हो गए भैया? हाँ कितने पैसे हो गए? हाँ चार लड्डू बूंदी के कितने हो गए? नहीं नहीं हाँ ये वाले 80 रुपये देने, ठीक है भाई। ये भाई बोल रहे हैं इंस्टा पे डाला करो, तो मैंने बोला भाई इंस्टा पे मैंने अपनी जगह ब्लॉग्स में स्टार्ट करा, बट बाकी मैं उसकी डालता हूँ इंस्टा पे तुम्हारी, मेरा जो फिटनेस चैनल है उस पर और जो मेरे ड्राई क्लीनिंग का चैनल है वो, अभी मैं सब्सक्राइब करा रहा चैनल खोलो इस पर। तो गाइस मैं जिम करके आ गया हूँ, मैं लड्डू खरीद लिए थे, मैं फ्रूट लेने आया हूँ। क्या कह रहा भाई? हाँ मेरे लिए मंगवाया खजूर, ये दिखाया सर खजूर है ये भाई, कह रहा तुम्हारे लिए खजूर मैंने मंगवाया, सही है ये एक नंबर बेस्ट। और गड़बड़ हुई तो वापिस लेगा? बोल दे एक बार वापिस लूंगा गड़बड़ हुई तो। अरे एकदम बस भाई, कह रहा है गड़बड़ हुई तो वापिस ले लूंगा मैं, देख लो। अंगूर दे दे मेरे को और ये दे दे भाई, बस अंगूर पीले पीले चाहिए भाई, येल्लो येल्लो बिल्कुल, ज्यादा नहीं चाहिए, ओनली हाफ के जी, आधा किलो। पता नहीं भाई कौन सा खजूर लाया है, ट्राई करके बताऊंगा वो कैसी क्वालिटी है इसकी। कितने का दे रहा है प्रमोदी वाला? 800। कितने का? 800 रुपए का? 800। चलो भाई 800 रुपए का बता रहा भाई ये, तुम्हारी बच्ची भाई लग रहा है खाना छुड़वाया है ये। भाई भाई सोया मिल्क मैंने मंगवा लिया इनसे, और ये अंगूर सही है ना, और वो खजूर का डब्बा, ये हो गए 3 आइटम। कितने पैसे हो गए भाई? 3 आइटम मैंने ले लिए, कितने देने भाई? 400 रुपये लिखा है इस पर रेट, कह रहा 450 का भेज देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसका रेट देखता हूँ। 399 इसका, 400 रुपये रेट है, 160 का बेचता है, यानी मार्जिन दोनों में बराबर है ना। तो फिर ये मुझे तो बढ़िया, मुझे बढ़िया से क्या करना, उसमें 400 लिखा है, 160 का बेचता है, तू 160 का बेचता है ना, तो इसकी 180 ले ले, बात तो गलत थोड़ी ना, 400 रुपये इसमें लिखा है, 330 का सीन के ले गया और 400 तो भाई उसमें 400 हमारे पे लिखा है, 400 रुपये लिखा है, नहीं बेचते हम भाई, हाँ कोई नहीं ले पाएगा खजूर, तो फिर ये फिर ये 350 का कैसे हो गया बड्डी? चल इसे बढ़ा रहा है, इस पर रेट लिखा है 400, ठीक है, क्या आराम 450 का भेज देते हैं। अब बता से मेरी गलती है कुछ, ये क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, तुमने कितने को बता दिया? नहीं नहीं मुझे 350 का इसने बोला, मैं चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा इस पे भी मांग रहे थे। मैंने कहा इस पे भी 400 लिखा है तो 160 का भेज देता है, मेरे से 200 रुपये ले ले तो इसके, तो कितने खरीद के लाया है तू? 320 रुपये का तो पड़ेगा, 240 रुपये का आया हुआ, देख लिया देख लिया। अरे भाई तुम भी यार वीडियो पे मैं देख लिया, गलत कर रहे हो क्या? मैंने रुपीस ओनली गाइस, वीडियो का रात ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये काट दूंगा ढंग से मत ले। तो फाइनली गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ, और भाई आने के बाद आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके जो मैं अमेजोन से वो लेके आया था ना पार्सल, अभी दिखाते हैं आपको। कहाँ गया भाई कोरियर? कोरियर लेकर के आई हो? अरे बहुत महंगा है ये, 400 रुपये का लाए हैं भाई, बोल रहे कैसे खुद वो लाया छुआ रहे, अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके की चीज़ है वो, अभी दिखाता हूँ आपको वो भी, अभी मैं प्रोटीन पी लूँ उसके बाद दिखाऊंगा क्या चीज़ है। तो गाइस अब आपको प्रोटीन की मिक्सिंग दिखाते हैं, मैंने ना सोया मिल्क डाल लिया, ये रहा सोया मिल्क, और सोया मिल्क इसको ना प्रोटीन डाल लिया, इसको ब्लेंड करूँगा, ब्लेंड करने के लिए मैंने आजकल वाला ले रखा है स्पून फोक वाला, तो इससे करेंगे मस्त वाला प्रोटीन। भाई आप लोगों की चीज़ बताऊँ, भाई मैंने सोया मिल्क डाल लिया ना इसमें, गलती कर दी,
क्योंकि मेरा प्रोटीन ऑलरेडी काफ़ी मीठा है और सोया मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है भाई, मतलब गलती करती है, पीना तो पड़ेगा। तो एक प्रोटीन का स्कूप काफ़ी महंगा होता है, वेस्ट हो जाएगा पैसा भी, तो मैं तो पी रहा हूँ। पर आप लोग ऐसा कभी मत ट्राई करना, अगर आपको प्रोटीन दूध से पीना है तो नॉर्मल दूध डालो, प्लेन जो घर में आपके आता है दूध, वही ये मत ट्राई करो प्लीज़। पार्सल जो मैंने मंगाया था, पकड़ियो सर फोन पकड़ना, वीडियो नहीं बन रही ढंग से, ऐसे पकड़ फोन को होल्ड रखो, हाँ जूम भी कर सकता है। प्रोटीन में भाई नीचे सारा प्रोटीन जम गया था, इसको इसलिए मैं थोड़ा सा दोबारा से हिला लेता हूँ, फिर पी लूँगा पानी। मतलब पानी क्या है, इसे पानी में यस। तो गाइस ये मंगाए थे मैंने, आई होप आप समझ गए हो गए हैं कि ये है सिलिका जेल। ये आपकी जो भी कपड़े आप रखते हो ना, लोग उसके अंदर मैफलिन बॉल्स यूज़ करते हैं, मैफलिन बॉल ना रख के आप इसे ऐड कर सकते, इसे इसमें रख सकते, इससे कोई स्मेल नहीं आती, कपड़ों का मॉइस्चर सारा ऑब्जर्व कर लेता है और जो भी गीलापन होता है स्मेल इसमें कुछ नहीं आती, इससे बेस्ट चीज़ है। तो मैं तो ड्राई क्लीनिंग का काम करता हूँ, तो मेरे को भाई रिक्वायरमेंट रहती है इन चीज़ों को, इसमें लगा के मैं देता हूँ कस्टमर को, क्योंकि अभी विंटर्स जा रही है और समर्स आ रही है, तो उन लोगों को देना पड़ता है भाई, तो इसलिए मैं ये देता हूँ उन लोगों को। आप लोग देख सकते हो सिलिका जेल मैंने मंगाए हैं ये अमेज़ोन से, ये बेस्ट चीज़ है। शूज़ में हमें लगाने पड़ते हैं, नए शूज़ ड्रकलिंग करते हमें डालते हैं, तो ये हो गया। अब भाई ये तो मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया, अब एक चीज़ और अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ भाई। ये है खजूर, और इसकी एक ख़ास बात पता है क्या है, मतलब मैं तो मेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, ये डंडी समेत खजूर है, डंडी समेत खजूर। पकड़ियो कौन पकड़ियो, खजूर दिखाऊंगा भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे खोलने के लिए। भाई डंडी में लगे हुए हैं देखो खजूर, इस तरीके डंडी में है, और अभी और खोलता हूँ, पर इसको धोखे खाना पड़ेगा हम लोगों को। देखो पेड़ से टूटे हुए हैं फ्रेश गाइस, देखो देख सकते हो भाई, मस्त खजूर डंडी में लगे हुए हैं। और ज़रूर भाई इसका फ़ायदा पता है क्या है, ये मैं धोके खाऊंगा, और इसके अंदर कोई ना ऊपर से जैसे हम खजूर मार्केट से चिपचिपे होते हैं, मतलब तो शुगर की कुटिंग करी जाती है या धोया जाता है, कहीं प्रोसेस कराया जाता है, तो अनप्रोसेस खजूर है, काफ़ी बढ़िया है अनप्रोसेस भाई, इतनी बढ़िया चीज़ होगी ना ये खाने में। अभी तो नहीं खाऊंगा मैं, मैंने प्रोटीन पिया है, पर डिनर आ चुका है, डिनर के अंदर है भाई मेथी खिचड़ी अगेन, मसूर की दाल, और अभी रात में हमने बनाया फली और आलू, इसे गुआर की फली बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके इधर क्या बोलते हैं। तो मस्त जनरल एंजॉय करते हैं, और इसके बाद भाई वीडियो ऑलमोस्ट एंड करेंगे, अगर कुछ होगी क्लिप तो जरूर शेयर करूँगा, तो ऑलमोस्ट बंद हुई वीडियो की। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय।